नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत मुनिवेदिता बुलेटिन ऊपर नजर पकाइबा हेले ता पूर्वरु हेडलाइंस भुवनेश्वर इन्फोसिटी थाना अंचल रे एटीएम लूट घटनार पर्दाफाश लूट टंका को बिटकॉइन ने विनियोग करिसेंती अभियुक्त राज्य बाहर ए लुटेरा अन्य मामला रे जेल रे अछंती अभियुक्त को रिमांड रे आनी टंका जबत पई पुलिस राज्य में आउ 1494 कोरोना आक्रांत चिन्हट संगरोधर 867 स्थानीय अंचल 627 संक्रमित मोट आक्रांत संख्या 298768 को वृद्धि पुणी 15 मुंड नेला महामारी भारत में पुंजनिवेश धर्मेन्द्र निमंत्रण शक्ति क्षेत्र में भारत को उत्पादन हब्रे परिणत आह्वान कोरोना काल में एलपीजी जोगाण ओपेक को धन्यवाद देले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ब्रह्मपुर विजिलेंस जाल में दुई किरानी आयुर्वैद्युत संपत्ति ठूल अभियोग चढ़ऊ कला विजिलेंस ब्रह्मपुर डीएफओ ऑफिसर जूनियर किरानी को घरे चढ़ऊ सूर्यनारायण त्रिपाठी घर समेत चारोटी जगार विजिलेंस चढ़ऊ नवंबर मासरे स्कूल खोल निष्पत्ति स्थगित केबे स्कूल खोल विभाग पक्ष दिजाव कोरोना द्वितीय पर्याय संक्रमण आशंका थी निष्पत्ति सूचना दे गणशिक्षा मंत्री समीर दास वर्षा अधिकार को खंडन करने को प्रयास शाशुघर छाड़क आसुची धमकपूर्ण चिठी शाशुघर रही न्यायिक लड़े लड़े बोली कोर्ट सेपटे वर्षा विरोध में थानार द्वारस्थ हेले अनुभव कमार लर्नर लाइसेंस स्लॉट बुकिंग बारु बुकिंग षोलू हेब टेस्टिंग कोविड लक्षण थे टेस्टिंग मना नियम न मानिले कड़ा कार्यानुष्ठान आसीबा संपूर्ण खबर को चैत मास राज्य में स्कूल खोल निष्पत्ति को स्थगित रखा सूचना मिली स्कूल खोल निष्पत्ति विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर दास प्रतिक्रिया रखिंट से कहते डिसेंबर में द्वितीय पर्याय कोरोना संक्रमण आशंका रही है मुख्यमंत्री राज्यवासी को सतर्क रहिबाकु परामर्श देते स्वास्थ्य विभाग परवर्त गाइडलाइन को अपेक्षा कर गाइडलाइन आसवा परे परवर्ती निष्पत्ति चलित मास राज्य स्कूल खोल नहीं किछ दिन तले गणशिक्षा मंत्री सूचना देते नवम रु द्वादश जाए संपूर्ण क्लास होबोली मंत्री कहते जदि पिला छाड़ को अभिभावक राजी न हुंती ताहले ऑनलाइन क्लास व्यवस्था करा मंत्री सूचना देते जेहेतु सेकेंड वेव संपर्क में माननीय मुख्यमंत्री समग्र राज्यवासी को परामर्श कर गुरुतर सहकार नाप गठन सचेतन हाँपाई ताको आधार करके गणशिक्षा विभाग उचित मन कला ना जेहेतु सेकेंड वेव कथा अच्छी माननीय मुख्यमंत्री आम जब निष्पत्ति बैठक करूँ जो बैठक है रिव्यू है जेहेतु सेकेंड वेव कथा राज्य गठन परामर्श आसला से कौन नवेम्बर में जो खोलने जो प्रक्रिया होता है बर्तमान सामयिक भाव में स्थगित रखे से संपर्क में आपण मानक परवर्त अवस्था चर्चा विमर्श होगापर स्वास्थ्य विभाग को गोटे गाइडलाइन प्रस्तुत करने दि जाइए आम जहाँ जाचे आम जाचे तेणु कौन गाइडलाइन आसूँ कौन पुणी एसआरसी परामर्श आसूँ जोटा विभाग को जोटा कि आपने जानते एसआरसी भाव में कॉविड एसआरसी हिं दिंती गाइडलाइन दिहे तेणु कौन आसू तार निर्भर कै आम आसवापर विभाग अधिकारी मैंने बस आलोचना पर्यालोचना करूँ कौन कर उचित कौन कर एथर पेपरलेस हेब विधानसभा एथिपाई आज आरंभ होइछि ई विधानसभा ट्रेनिंग प्रथम पर्यायर विधानसभा कर्मचारी को तालीम दिजरी एप्रिल मस विधायक मान ट्रेनिंग दिजा वर्तमान साधारण प्रशासन प्रशासनिक आकाउंट विभाग कर्मचारी मानक तालीम दि जाऊँगी प्रतिदिन तीनोटी विभाग कर्मचारी को तालीम दिजा एनआईसी और ओकाक एक्सपर्ट मैंने तालीम दौरान दुई तीन टा डिपार्टमेंट अफसर मान को ट्रेनिंग आरंभ हम ओकाक आउ एनआईसी से मैंने किसी एक्सपर्ट को आनी जो मैंने डिपार्टमेंट को जाकर हाउ हार्ड फाइल बदले ऑनलाइन रे फाइल मूव हो से ट्रेनिंग से देवे टिल दे अंडरस्टैंड हाउ टू मूव इट ये ट्रेनिंग टा से देवे आगर दुई दिन तीन दिन सप्ताह खंडे ट्रेनिंग ओका नहीं फाइनल टंग दिया है सो डिपार्टमेंट वाइज तीन टा डिपार्टमेंट भाव से ट्रेनिंग चलो विधानसभा सरला एप्रिल मासरे मानवर विधायक मान को विधायिका मान को जेहेतु आगर आम लैपटॉप दे दीचु ट्रेनिंग
भुवनेश्वर मैग्नेट छक पीएनबी एटीएम रु 27,84,000 लूट घटनार पर्दाफाश करिछि कमिशनरेट पुलिस। कमिशनरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड वाइजाक पुलिस ए गैंग को ठाब करिछि। दुजनिया लुटेरा गैंग को ठाब करिछि पुलिस। तबे वाइजाक रे मध्य 9,00,000 बैंक लूट करिथिले। अभियुक्त दोयंक घर पंजाब ओ केरल बोली जणा पडिछि। चोरी टंका को सेमाने विमान जोगे ने जाइतबा जणा पडिछि। राज्य बार लुटेरा होइतबारु सेमाना को ट्रांजिट रिमांड रे अणा जिवो एने पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुधांशु षडंगी सूचना देखते। अपराधी को खोजी पाइबा प्रथम दिन रु ही आम पाई गोटे बड़ चैलेंज थिला। डीसीपी उमाशंकर दास प्रत्यक्ष तत्वावधान रे भुवनेश्वर आम जो स्पेशल स्क्वाड अच्छी से तार तदंत आरंभ करते घटना पर सही दिन ही मुँ घटनास्थल को जाइली एवं कहवाकू गले कि सुराग नाला और ये जना जाता जे यहाँ गोटे अति वृत्तिगत अपराधी जो मैंने अत्यंत दक्ष हुए तो अंतराज्य अपराधी एपृक्त अच्छा एवं तलाश कला तलाशी कलापर आमको गोटे निर्दिष्ट मोटरसाइकल रो नंबर मिलता एवं पर मोटरसाइकल को खोजी खोजी यही अपराधी मैंने भुवनेश्वर जो आश्रय नहीं तार स्थान मिलता एवं आम जानवाक पाइलु दुईज अपराधी कलिकतारु आसिकी ये पहुँची थे 5 तारीख दिन और आसिकी पवित्र रॉयल रेजेन्सी बोली गोटे होटेल रही सेठी रहिला परे सेमाने इंटरनेट जरिया मंचेश्वर थिबा केशव महाराणा बोली जने लोक से गैस सिलिंडर भड़ारे दौरान बोली जानवाक पाइले जा गैस सिलिंडर आनी गैस सिलिंडर देखी जितेबाला होटेल कर्मचारी टी सन्देह से होटेल छाड़ देकर आउ गोटे होटेल को चलीगले जो होटेल ना था अर्बन लेजेंड एवं यही होटेल थिला बेले अपराध कले। राज्य में आउ 1494 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। संगरोधर 867 स्थानीय अंचल 627 चिन्हट होती। कोरोना आक्रांत को संख्या 298,768 को वृद्धि होती। सुस्थ हेले 283,533। 13,799 चिकित्साधीन अच्छा। खोर्धार सर्वाधिक 153 और कटक्रु 112 पजिट चिन्हट होती। बालेश्वर 102, सुंदरगढ़ 96, मयूरभंज 93 पजिट, अनुगुण 83, केन्दुर 69, पुरी 63, जगत सिंहपुर 60, केन्द्रापड़ 56, नुआपड़ 55 और बरगढ़ 54 आक्रांत चिन्हट। से राज्य में आउ 15 जन जीवन नहीं कोरोना। राज्य में कोरोना मृत्यु संख्या 1,393 को वृद्धि होती। भुवनेश्वर 2 समेत खोर्धा जिलूर 3 कोरोना रोगी मृत्यु हो संबलपुर 3, मयूरभंज बरगढ़ 2 जन लेखाएं मृत्यु होती। मलकानगिरी बलांगीर पुरी कटक और बालेश्वर जड़े लेखाएं मृत्यु हो। भारत में पुंजनिवेश ओपेक सदस्य राष्ट्रगुड़ी को निमंत्रण कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। भारत तो ओपेक्र चतुर्थ उच्चस्तरीय बैठक में जोगदे केन्द्रमंत्री ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री दृढ़ नेतृत्व को प्रशंसा करते। ऊर्जा क्षेत्र में भारत को उत्पादन हब्रे परिणत करने मिलित भाव कम करने को आह्वान देते धर्मेन्द्र। ओपेक भारत सह मिलित भाव कम कले ऊर्जा चाहदार अभिवृद्धि हो। कोरोना समय भारत को अतिरिक्त एलपीजी जोगाई दे We have seen for the first time a global effort for OPEC and OPEC Plus on the one side and other large crude producing countries such as the US, Canada, Norway and Mexico to align their policies to counter the significant contraction of global demand for crude oil. आर्यभूत संपत्ति ठूल अभियोग में दुई किराणी घरे विजिलेंस रेड। ब्रह्मपुर वन विभाग कनिष्ठ किराणी सूर्य नारायण त्रिपाठी घरे रेड जारी रही है। चिलिका वाइल्डलाइफ डिविजन कनिष्ठ किराणी नवेन चंद्र विशोई घरे रेड हो। सूर्य नारायण त्रिपाठी चारोटी स्थान में एककालीन चढ़ऊ होता बेले नवीन चंद्र विशोई तीनोटी स्थान में एककालीन चढ़ऊ जारी रही।
जेल्रु मुकुळिबे चासी मूलिया संगठनर नेता नाचिका लिंगा। दुई दिन तळे तांको हाईकोर्टरु सर्तमूलक जामिन मिळिथिला। तेबे नारायणपाटना थाना आक्रमण अभियोग मामलारे तांको सर्तमूलक जामिन प्रदान करिथिले हाईकोर्ट। यापरे आजि से जेल्रु मुकुळि पारंति। तांको नारे प्राय 45 मामला रहिछि। 2014 मसिहारु से बंदी भाबे जीवन काटुछन्ति। अधिक आलोचना करिबा आम प्रतिनिधि गोपाल पाड़ी आम सहित कोरापुट जोड़ी। तबे गोपाल, जेल्रु मुकुळिबे चासी मूलिया संगठन नेता नाचिका लिंगा। तबे जदि कहिबा 2014 मसिहारु से बंदी जीवन काटुछन्ति। तबे खूब शीघ्र आम प्रतिनिधि गोपाल पाड़ी आम सहित जोड़े। तबे जोभली भाव जेल्रु मुकुळिबे चासी मूलिया संगठन नेता नाचिका लिंगा। तबे दुई दिन तले तांको हाईकोर्टरु सर्तमूलक जामिन मिळिथिला। तबे नारायणपाटना थाना आक्रमण अभियोग रे मामलारे तांको सर्तमूलक जामिन प्रदान करिथिले हाईकोर्ट। एवं यापरे आजि से जेल्रु मुकुळि पारंति। तबे तांको नारे प्राय 45 मामला रहिछे। अधिक आलोचना करिबा गोपाल पाड़ी कोरापुट प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी। तबे गोपाल, जो चासी मूलिया संगठन नेता नाचिका लिंगा रहिछन्ति, आजि तांको से जेल्रु मुकुळि पारंति। 2014 मसिहारु से बंदी भाबे जीवन काटुथिले। कोन रहिछि सूचना गोपाल? जामिन मिळिथिला जे रहिछन्ति चासी मूलिया संगठन नेता नाचिका लिंगा। एवं जदि कहिबा 2014 मसिहारु से बंदी भाबे जीवन काटुथिले। नारायणपाटना थाना आक्रमण अभियोग मामलारे तांको सर्तमूलक जामिन प्रदान करथिले हाईकोर्ट। यापरे आजि से जेल्रु मुकुळि पारंति। सर, तो बर्तमान ए जो आंदोलन तो कौ वर्षरु केबे आरंभ करायथिला? आजि बर्तमान घर को फेरिबे नाचिका लिंगा, कोन कहिबे आज्ञा? देखन्तु, नाचिका लिंगा मुं तो कहि आज आम ओडिशार भारत बर्षर जड़े एभली आदिवासी नेता जे कि पाठ कम पढ़ी किंतु एक इतिहास सृष्टि कर। प्रथम कथा हूँ सी नारायणपाटा बंधुगा अंचल मदमुक्त अंचल करपरिक आदिवासी भाई भौनी मानकु मद पीवा भी बंद कर। द्वितीय कथा हो अहिंसा उपाय शांतिपूर्ण भाव में सी भी मद विरोधी आंदोलन करते तापर जमी मुक्ति आंदोलन एवं जमि मुक्ति आंदोलन बेले से हिंसा केबे से प्रयोग करना बरंग तांको ऊपर हिंसा आई एवं दुई जन को आम तांकर साथी को पुलिस स्टेशन रे मारी दिया जाई छी। और सेई दिन मध्य नाचिका लिंगा को बाजिबा पई चक्रान चली थिला। तेणु किंतु नाचिका लिंगा सब बेले से कहते 2002 परे जो जमि मुक्ति आंदोलन आरंभ होला एवं से 2009 बेलकु पुलिस जो चाहिला जे अंचल जो मद विरोधी आंदोलन है जमी मुक्ति आंदोलन हैपर माली पर्वत देवमाली एवं आमर ये आमर लक्ष्मीपुर जो वर्तमान माइनिंग ये सब अंचल को माइन खनि विरोधी आंदोलन परिणत है। सरकार चाहिले पुलिस माफिया कंट्राक्टर्स ये समय चाहिले जे ए आंदोलन को एक माओवादी आंदोलन परिणत करदे आमको दमन करने को सुविधा हो। आज भी पुलिस रेकर्ड कहती माओवादी से नुह कौन प्रकार एवं सीए निजर गणतांत्रिक आंदोलन में चाषी मूल्य आदिवासी संघ करमर जी चलीगले बर्तमान जड़े कम्युनिस्ट नेता सी भी के हिंसा ग्रहण करना सी मध्य एकदा सी थे बालियापाड़ा आंदोलन नेता गणनाथ पात्र जिकि नाचिका लिंगा आंदोलन को सी या करते। देखो 2009 नारायणपाटना थाना चढ़ऊ करवा दृष्टि को बर्तमान गोटे केस भी बाकी कौन कह थाना चढ़ऊ है ना बारंबार कोमिंग अपरेसन ना आम विभिन्न जन आंदोलन तरफ ह्यूमन राइट्स मानविक अधिकार तरफ बारंबार आसीचु। नाचिका लिंगा तार साथी माने बारंबार पुलिस को कहते आज्ञा कोमिंग ऑपरेशन कले आम सहयोग करूँ किंतु आम घरे पशिकी कार सुना कार धान कार चाउल सब नष्ट कर दि जाऊरिक महिला मानू दुर्व्यवहार कर ये जो बारंबार होती पुलिस बारंबार पुलिस पाखे क्या सीआरपी कर
ପୋଲିସ ବାରମ୍ବାର କହିଛେ ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ନେଇକରି କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ବାଲା ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲାବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ରହିକରି କାହିଁକିନା ଫାଇରିଂ କରିଛି, ଲୋକେ ଯଦି ଫାଇରିଂ କରିଥାନ୍ତେ ଲୋକ ତ କାହାକୁ ଗୁଳି ବାଜିନି, ଏବଂ ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ଏଠି ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ହୋମ୍ ରିପୋର୍ଟ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କର, ନିଜେ କଲେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ ହେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା ସିଏ ସବୁବେଳେ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରିନି, ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 45ଟା କେସରୁ 44ଟା କେସରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଖଲାସ, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ସେ ବି ଖଲାସ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅଦାଲତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଜିର ଜାମିନର ସର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବାହାର ରହିବା? ନାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ଅଦାଲତ ଭାବିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଧର ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିବେ, ଆମକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବେ, ତୁମେ ମୋତେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ଆହୁରି ଆମେ ପଢ଼ିନୁ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଯାଇପାରିବନି, ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିବ, ବା ଯଦି ଯାଉ ଯିବାକୁ ହେବ ବହୁତ ହୁଏତ ଅଦାଲତର ପରମିଶନ ନେଇକରି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ହିଂସା କରିବନି, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସା ତ କରି ସେ ହିଂସା କରୁନି, କାହିଁ ହିଂସା କରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସିଏ ସହଯୋଗ ଆସିବେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଏ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ଅଛି ରବି ରାୟ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଲୋକସଭାର, ତାଙ୍କ ସମାନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ନଭେମ୍ବର 26ରେ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ, ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ଯେ ନାଚିଙ୍ଗାଲିକା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଲାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଦାଲତ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ସେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବ 26 ତାରିଖ ଦିନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେବୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଅଦାଲତ ପରମିଶନ ଦେବେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନାଚିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଜଣେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସରକାର ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବି, ସରକାର ଏଭଳି ଭାବ ଏଭଳି ନେତାମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର କେମିତି ରହିବ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ନାଚିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିକିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରହିବ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜମିଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାର ବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ମୋର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ଆଜିର ଜାମିନ ପରେ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାମିନଦାର ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ନିହାତି ସିଧାସଳଖ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନାଚିଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗା ବାହାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବେ, ପରିବାର ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଘରକୁ ସେ ସିଧା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁଅଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ପରିଚୟ ରଖିବା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବାବା? ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି କି ଜାଣିନଥିଲି ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିଲି। ଆଜି ଯାହା ହଉ ମାନ୍ୟବର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଧରିକି ଯିବେ? ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ବଡ଼ ମା, ମୋ ବଡ଼ବାପା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଧା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସିଧା ଚିତ୍ର ଯେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଇଏ ଯେ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର କୋରାପୁଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ ନାଚିଗାଲିଙ୍ଗା ବାହାରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ସିଧା ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏଇଠୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆଉ 3ଟି ସର୍ତ୍ତ ଯଦି 3ଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିବେ ଏବଂ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଯେମିତିକି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବେ। ଏନ୍ଦେବେରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଅଜଗର ସାପ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଗିରଫ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାଙ୍କୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାପ ଧରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଚାଲାଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଥିବା 7 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏକ 8 ଫୁଟ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଙ୍କୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଘର ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଭଦ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଜଳଙ୍ଗା ଆଦିବାସୀ ସାହିର ମିକ୍ ମୁଣ୍ଡା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବାପଘର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
आईन को बेखातिर गरीब को लात कंटाबाजी रे गरीबंक पेटरे लात मारिला प्रशासन दिव्यांग को दाना देउतबा दुकान उपरे प्रशासन चढ़ई देला बुलडोजर। 30 वर्ष धरी कंटाबाजी रे दुकान करी रही आसुथिले रूपल, तबे गत 14 अगस्त रे टिटलागड़ उपजिलापांक निर्देश रे रूपल को दुकान भांगिला प्रशासन। ए समय रे रूपल हाईकोर्ट को स्टे ऑर्डर को देखाइथिले मध्य आईएएस सोमेश याको न देखी जेसीपी चढ़ाइबा को निर्देश देथिले। यापरे हाईकोर्ट को निर्देश परे उपजिलापांक विरोध रे मामला रुजु होइछे। तबे घटना को 3 सप्ताह परे भी दिव्यांग रूपल को मिलानी नाय। हाईकोर्ट को निर्देश सत्ते हेउनी कार्यानुष्ठान। पुणि धरा पड़ा जिला प्रशासन आउ एक मिछ। श्रीमंदिर चतुर्पाश्वर 75 मीटर सुरक्षा जोन उच्छेद विस्थापित मान थैथान पर प्रशासन दे जमी उपरे विवाद थिबा मान्यवर हाइकोर्ट स्वीकार करथवा बेले तुरंत 6 सप्ताह मध्य विवादमुक्त जमी देवाक प्रशासन को निर्देश होइछे। सेपटे जिला प्रशासन द्वारा दि जाइथिबा विवादय जमी को नहीं विस्थापित मान दृढ़ निंदा करथवा बेले हाइकोर्ट निष्पत्ति को स्वागत करिसेंते। जो जमी सी आमको देते ओनर भी ऑलरेडी केस करते जितेबाला जिलापा से पक्षभुक्त थे सी केमी जापारे ना से बद जमी बोली बिवाद जमी सत्वे से लिटिगेसन जगह से आमको पट्टा बिक्री कबल देमी जदि सर सब जाणी भी आमको कहला आम फोर्स लगे कम करदेबू कड़े गला सर ए फोर्स कड़े गला डे वन रु प्रशासन आम उपर आलिगेसन लगोच कि आम घर छाड़क चाहूना आम पल्युटेड बर्तमान सर आप कहते पल्युटेड आम ना पल्युटेड सिस्टम। बुर्ला पुलिस हाथ धरा पड़ा हाईवे लुटेरा गैंग। 4 दिन पूर्व पीसी ब्रिज उपर 4-चकिया गाड़ी अटकई लुट कर अभियोग होता पुलिस से नहीं तदंत जारी रखी था। तेज दीर्घ 4 दिन पर बुर्ला पुलिस को सफलता मिली। ए घटना संपुक्त तीनज दुर्बृत्त को गिरफ्त कर कोर्ट चलाण कर बुर्ला थाना पक्ष जारी कर प्रेस बृत्ति में सूचना दी जाए। बर्षा को अधिकार को खनन करने को चेष्टा शाशुघरे रोता बेले मिलू धमक अश्लील भाषा गाड़गुलज करने आसू धमकपूर्ण चिठी शाशुघरे न्यायिक लड़े लड़बे बोली कोर्ट किंतु सांसद अनुभव पर लोके बारंबार मानसिक निर्यातना देउथबा अभियोग होइछे। सेने वर्षा विरोध में थाना द्वारस्थ होती अनुभव माँ पुरीघाट थाना एने लिखित अभियोग अनुभव माँ मधुस्मिता महांती घर मरामती वर्षा घर छाड़ा जरूरी बोली दर्शाई अनुभव माँ वर्षा को बारंबार कहवा सत्वे से घर खाली करूँ से अभियोग कर। फेल मारी सरकार को वसुधा योजना घरे घरे विशुद्ध पानी जोगाइबा नारे सरकार डिंडीम पिटुवा बेले वास्तव चित्र किंतु संपूर्ण भिन्न। टांकी निर्माण होइछि पाइप बिछा सरी प्रशासनिक अवहेला और ठिकादार निम्न मान काम जो विशुद्ध पानी जल पाइव वंचित होती ग्रामवासी देखा रिपोर्ट। सुवर्णपुर जिला उल्लुंडा ब्लॉक अंतर्गत सिंद्रिया बाहल गाँ गाँ प्राय हजारे लोक बसवास दुखर कथा स्वाधीनतार 75 वर्ष पर पोखरी पानी दे शोष मेटाऊ अंचल ग्रामवासी गाँव में रंगिया गटारु पानी आनी ग्रामवासी चलुवा बेले विभिन्न समय रे नानादी रोगर शिकार होता अभियोग करने बारंबार विभागीय अधिकारी और स्थानीय विडिओ दृष्टि आकर्षण करते हैं कौनसी प्रकार पदक्षेप अभियोग। सेपटे गाँव में पाइप बिछा जाइछि ओवरहेड टांकी मध्य तयारी सरिछि हेले तथापि कार्यरे आसुनी प्रकल्प दिवरा सला टांकी हेजे टांकी रु पानी जरुजे केने पाइप तुपला केने पाइप नाय तुपी आमे बहुत दूर पानी खाउछु आ रोग बाग बहुत होउछे ऑफिसर मानको कहले केही ना सुनबा के आज्ञा केनता करमु आमे को टाकी भीतर माटी पड़ी जे सफा भी ना करवार दुई बरस सलानो हमर गांव रे पानटंगी चली जे किंतु काम केबे कंप्लीट हे नै पारवार
ସେଟା କେନ ପାଇପ୍ କଥା ଅଧା ପଡ଼ିଛେ, କେନ ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଘରମାନଙ୍କୁ ବି ନାଇଁ ହେଇ, ସବୁଆଡ଼େ ମେଲା ପଡ଼ିଛେ, କାମ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାକେ। ଆର୍ ଠିକାଦାର ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଆଉଛନ୍, କାମ କରିଦେଉଛନ୍, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଫେର ପଲଉଛନ୍। ଏବେ ଟାଙ୍କି ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପାନ୍ ଗଲୁଛେ। ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଲୁ, ଜେଇଙ୍କୁ ଜଣାଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଜଣାଲୁ, ଲେଖଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଲ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ରଙ୍ଗିଆ କଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିରି ପାନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ, ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମର କଥା ସରକାର ଶୁଣୁ। ସେପଟେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏଯାଏ ଅଧା କାମ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। କେବଳ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଠିକାଦାର। ସେପଟେ କାମ ସରିନଥିବା ବେଳେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କାମ ଚାଲିଛି, କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପରିମଳ ମିଶନର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଝରୁଛେ, ପାଇପ୍ ମାନେ ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ନାଇଁ, ଅଧା ଜାଗାରେ ମୁଲାଟା ଦେଇଛନ୍, ଅଧା ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଦେଇ 2 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ଖାଉଛୁଁ। ଯାହା ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତ କେହି ଶୁଣବା ନାଇଁ କେ, ଆର୍ ଆମେ ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇଛି, ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି, ତେଣୁ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଲାଗିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ହାଉସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ପାଣି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।